हेलो स्टूडेंट्स दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी बजट लाइन तो हमने पढ़ ही लिया बजट लाइन क्या होता है बजट लाइन वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर हम हम हमारे टू गुड्स के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उस लाइन पे इक्वल इनकम विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ये हो गई हमारी बजट लाइन राइट अब हम तब बजट लाइन को हमने पढ़ा था हमने दो चीज़ें अज्यूम की थी वो दो चीज़ें क्या थी पी डी एफ में ये ऊपर नीचे हो गया फर्स्ट पेज जो हमारा है वो ये है सेकेंड पेज हमारा ये है राइट right? सो so, वो दो चीज़ें दो एजम्पन्स हमने क्या किए थे कि बजट लाइन के अंदर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट अगर नहीं याद है तो नोट्स देखो और उसमें वापस रिकॉल करो हमारे दो आजमशल से बजट लाइन के कि इनकम और इनकम ऑफ अ कंज्यूमर और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हमेशा कांस्टेंट रहेंगे राइट right? लेकिन शिफ्ट इन बजट लाइन चेंज इन बजट लाइन में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पर बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो सकती है शिफ्ट का मतलब ये इस तरीके से हमारी ये बजट लाइन थी ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब हमारी बजट लाइन इस तरीके से शिफ्ट होगी बजट लाइन दो तरीके से शिफ्ट हो सकती है एक इनकम के चेंज होने की वजह से जो यहाँ पे हमने एक एक रखा था। एक, हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस अगेन चेंज इन बजट लाइन हम पढ़ रहे हैं बजट लाइन हमारी दो चीजों के चेंज होने की वजह से चेंज हो सकती है एक ड्यू टू चेंज इन इनकम एक ड्यू टू चेंज इन राइट फर्स्ट right? हम पढ़ेंगे ड्यू टू चेंज इन इनकम अगर हमारी इनकम इनक्रीज होती है इंक्रीज इन इनकम तो हमारी budget line होगी, right shift, right? क्यों right shift होगी क्योंकि यहां पर हमारी बजे लाइन थी जैसे ही हमारी इनकम इनकम इंक्रीज होगी हम और ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे राइट right? इसीलिए क्योंकि हम और ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे तो हम हमारी जो बजट लाइन है वो ये बन जाएगी जैसे ही हमारी इनकम रिड्यूस होगी हम कम कमोडिटी परचेस कर पाएंगे तो एज इट इज हमारी इनकम लाइन हमारी बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो हम ये चीज ध्यान रखेंगे राइट वर्ड शिफ्ट अगर बजट लाइन होती है तो वो किस वजह से होती है इंक्रीज इन इनकम की वजह से लेफ्ट वर्ड अगर हमारी बजट लाइन शिफ्ट होती है तो वो क्यों होती है डिक्रीज इन इनकम की वजह से राइट शिफ्ट होगी तो हम ज्यादा एप्पल परचेज कर पाएंगे ज्यादा बनाना कर पाएंगे लेकिन अगर हमारी शिफ्ट होती है यानी हमारी इनकम कम हो गई और हम कम बनाना परचेज कर पाएंगे और कम ही एप्पल परचेज कर पाएंगे ये हो गया हमारा शिफ्ट इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन इनकम इनकम के चेंज होने की, की वजह से हमारी कैसे बजट लाइन शिफ्ट होती है नेक्स्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस चेंज इन प्राइस की वजह से हम इस चेंज को बोल सकते हैं रोटेशन अगर हमारी एप्पल की प्राइस चेंज होती है तो खाली हमारा एप्पल का साइड साइज जो हमारे एप्पल का जो बजट लाइन का साइड है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा अगर हमारी बनाना की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो बनाना का साइड इंक्रीज या डिक्रीज होगा एप्पल में देखो यहाँ पर बनाना वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर ही है लेकिन यहाँ पर आगे आके आते चेंज हो जाएगा बनाना की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो देखो एप्पल का जो पॉइंट है वो सेम है लेकिन ऊपर आते आते यहाँ पर बनाना और इसका ये चेंज हो जाएगा राइट सो so, यहाँ पर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल अगर प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीज़ होता है तो हमारी जो बजट लाइन है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगी और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल लेफ्ट वर्ड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बनाना तो बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट होगी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बनाना तो हमारी बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी राइट right? क्योंकि हमें और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा बनाना को परचेज करने के लिए सो so, ये हमारा हो गया शिफ्ट इन बजट लाइन इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है इन डिफ्रेंस कर्फ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो वो हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो